20 साल से मैच देखता आ रहा हूँ हाँ। और अगर आज पाकिस्तान हार गया ये मेरा आखिरी मैच होगा। मैंने दुआ दे दी है रोहित शर्मा आउट होगा, टेंशन नहीं लेना ठीक है। रोहित शर्मा को तुम आई दुआ लगे नहीं जो बाकी सारे इंडियन दुआ कर रहे हैं। हार्दिक पांडे के नन्हे पांडे का भाई है। हाँ चंकी पांडे इसका अब्बू है। शिट 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 टेंशन आने लग गई मुझे। अरिब नो कुछ नहीं होता। मैच बहुत फंस गया है, मैच फंस गया। अब 6 बॉलों पे 18 स्कोर चाहिए। ओ तेरी खैर लत सी। ओ छक्का छक्का यार अरिब क्या हो गया। आज का खूबसूरत दिन जो है वो मेरा 3 बजे स्टार्ट हो चुका है। वो भी इसीलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि अरीब साहब की कॉल आ गई थी सुबह सुबह, क्या कर रही हो? और मैं नींद में हेलो, मैंने कहा यार मैं सो रही हूँ। कहते वहां आप कोई उठाने वाला नहीं है, सुकून करती हो सो रही हो। मैं कहा घर पे भी कोई नहीं उठाता था, कोई बिना बताए चला भी जाता था। तो भाई अब मैं उठ चुकी हूँ और अरीब साहब जो है ही सेट के वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। फटाफट उठ जाओ, रेडी हो जाओ। और मैं अभी इस वक्त फातिमा के कमरे में क्यों, क्योंकि मैं 2 दिन से यहाँ पे रह रही हूँ फातिमा के साथ। तो अभी जो है वो सब उठ के नीचे चले गए, ऊपर वाले पोर्शन में ना हेरा है ना फातिमा है, सब चले गए नीचे। मैं उठी हूँ तो मैं अकेले थी पूरी पोर्शन में, तो मैंने कहा मैं जरा व्लॉग स्टार्ट कर दूं और फिर नीचे पहुंचते जाके नाश्ता वाश्ता करते हैं, थोड़ा रेडी शडी होते हैं। वो सबसे अगर पहले आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Assalamualaikum. तुम भी इनकी तरह लेट। आज जल्दी मुझे मेरे हस्बैंड साहब की कॉल आ गई कि उठ जाओ। हमारी तरह लेट नहीं, हम भी इसकी तरह लेट। इसने अपने जैसा सबको कर दिया। मामा मैंने किसी को अपने जैसा नहीं किया, ये लोग मेरा व्लॉग्स देख देख के मेरे जैसी हो गई और मैं इनके व्लॉग्स देख देख के इनके जैसी हो जाती हूँ। बताओ नाश्ता क्या करना, मैं बहुत बिजी खाती हूँ। क्या मतलब बिजी, आज आप मुझे नाश्ता नहीं देंगी? क्या करना है जल्दी बताओ। आज आप मुझे किसी बिरयानी पे नहीं टरखाएंगी, कल जो है वो मुझे पापा की डिश पे मम्मा ने टरखा दिया था, लेकिन आज जो है वो हम प्रॉपर कहेंगे मम्मी पराठा, मैंगो पराठा। हाय गाइस, आप लोगों ने कभी ये कॉम्बो ट्राई किया है मैंगो पराठे वाला? ये बहुत ही यम्मी लगता है। देसी घी का पराठा हो, साथ में मीठा आम हो बस, और सारी चीजें साइड पे छोड़ देता। गर्मियों में कॉम्बो जिसने नहीं ट्राई किया वो लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरा फेवरेट नाश्ता ये होता है। और तुमने क्या नाश्ता करना है? मैंने चाय पी लिया अभी के लिए बस। तुम बस चाय पीती हो? तुम चाय पे जिंदा हो? कुछ भी नहीं। ओहो ये कौन आया है? अरीब आ भी गया है मम्मा, उसने मुझे घंटा पहले फोन किया था, मैं अभी रेडी होके आई हूँ। डराते हैं जाके। वालेकुम अस्सलाम, क्या लिया सुकून आ गया 2 दिन है। अभी रहने ही लगी थी कि आपने मुझे फोन किया कि मैं आ रहा हूँ। चल मैं जा। नहीं, वापिस आए रही, वापिस आए। आप बताए आपने रह लिया 2 दिन मेरे बगैर? मैंने इतना एंजॉय किया तुम्हें पता हो क्या है? आपने क्या किया? देखो जूते नहीं देखे तुम मेरे? अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये खेल कूद के आया हो ना, ये लड़का जिसको मौका मिलता है, जब मौका मिलता है ये बस खेलने कूदने पे फोकस करता है। मैच था ना, फिर मैं दोस्ती तरह चला गया, वहीं पे सो गया, अभी वहीं से उठ के आ रहा हूँ, अभी उठा ही हूँ मन का। आज भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है? आज ही तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। मैंने तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीन एंड व्हाइट पहन लिया और दुआ है मेरी कि पाकिस्तान अल्लाह करे जीत जाए। और इस बंदे ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था जब अमेरिका से पाकिस्तान मैच हारा था कि 2 घंटे मुंह बना के बैठा रहा था इतने गुस्से में, और इसने मेरे से प्रॉमिस किया था कि अब मैं मैच नहीं देखूंगा, और आज फिर तैयार होके। देखो हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हम ऐसे ही होते हैं, जितनी मर्जी बुरी बातें भला बोल ले एंड में आके पाकिस्तान को सपोर्ट करना ही करना है। बस आज दुआ करो पाकिस्तान जीत जाए। फिर अरीब आप उसी आए प्यारे, आज अल्लाह करे मैंने ग्रीन पहले पाकिस्तान जीतेगा ही जीतेगा। मेरे इमोशंस ऐसे हो जाएंगे, तुम परेशान हो जाओगी, पता नहीं अभी क्या बनता है आज मैच पे, पता नहीं देखें। अल्लाह खैर, टेंशन बढ़ी है, टेंशन बढ़ी। लेकिन उस दिन मैंने वादा किया था मैं मैच ही देखूंगा यार, यूएसए से ना हारना चाहिए था। हाय मेरा बंदा, कसम से आपको मैं क्या बताऊं, ये इतना दुखी था, इतना दुखी था कि इसको मतलब कंसोल करना पड़ा। मैं अकेला दुखी नहीं था, जो मैच देखता पाकिस्तान को सपोर्ट करता सारे दुखी थे। क्या लोग हैं, हम भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन हमने ना दिल नहीं लगाया हुआ था वहां पे, लेकिन इसका अलग लेवल का दिल था। और मुझे जेलस हो रही थी कि अरीब साहब मेरे अलावा भी कहीं आपका दिल जिगर सब कुछ लगाया हुआ मेरे साथ। अच्छा भाई बात सुनो, आपने हाथ से इशारा किया, मैंने भी समझा। मैंने कुछ नहीं किया, जल्दी आओ। झूठ बोल रहे हो ना अरीब, मैंने बुरा हाल हुआ, सलाम दुआ करें फिर निकले जाके। निकले नहीं, नाश्ता बन रहा है। आपने कभी पराठे के साथ मैंगो ट्राई किया नाश्ते? कई बार। आज आपको वो नाश्ता करवाते हैं? चलो ठीक है, वो कर लेते हैं। और मुझे ये बताओ, बड़ा रिएक्शन कर रही, रिएक्शन वीडियो बना रही शादी पे, है देखा मैंने, अच्छा था, मजा आया।
अपनी एंट्री कैसी लगी आपको? मैंने कहा जब अरीफ साहब ने सारे सबके फर्स्ट व्लॉग पे रिएक्शन किया है तो हम भी घर पे करते हैं। असल में पता है क्यों, मेरा दिखाओ कहाँ गिरा है, ओए पूरा रेड हुआ पड़ा। मम्मा इसके ऊपर वो लगाओ ना ठंडा, बर्फ लगा दे। टूथपेस्ट नहीं लगाते? नहीं टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट से निशान पड़ जाता है, बर्फ लगा ले इसके ऊपर। देखे माए कैसी होती है, फिर भी नाश्ता बना रही है, हाथ पे दर्द हो रहा है, लेकिन ये शर्म करो, उठो बंद करो कैमरा, चलो जो नाश्ता बनाओ। ओके गाइस, तो मामा को हमने भेज दिया बाहर, पराठे मैं खुद बना रही हूँ, ठीक है आप सुकून। चले जी गाइस, हम लोगों ने जो है वो नाश्ता वाश्ता कर लिया था, देसी नाश्ता, देसी घी का पराठा साथ में। मजा आया, देसी नाश्ता करके इतने देर बाद आंटी के हाथ का इतने मजे का वो, मम्मा के हाथ का पराठा और आम के दरख्त के हाथ के मैंगो है ना। चले जी, मैंने अपना सामान वगैरह पकड़ लिया, अब निकलने लगे। चले चलो भाई, चले लेट हो रहे हैं, मैंने जाना है। कॉल आई है कि मामू आ रहे हैं उनके साथ, छोटी बच्ची वगैरह, मैं निकरा से मिला। हाँ नहीं आ रही है, अरे वही वाली थोड़ी देर रुक जाए फिर आ जाएगी। चलो फिर ऐसा करो, मैं ना थोड़ी देर मैं काम कराता हूँ, मुझे बड़ा जरूरी काम है, तो फिर मैं आके 15-20 मिनट तक जब फ्री हो जाएगी पिक कर लूंगा, ठीक है। फिर मुझे पिक कर लेंगे, 15-20 मिनट तक मैं मैसेज कर दूंगी आपको, ठीक है। मामू से मैं भी मिल लूंगा, चले मैं आता हूँ। ओके जी, मैं आ रहा हूँ। One hour later. हमारे घर पे जो है वो गेस्ट वगैरह आ चुके हैं। ये इधर तो आओ जरा, कहाँ गई थी? एम्पोरियम। एम्पोरियम गई थी, क्या लेने गई थी? चीजियां। लाइयो मेरे लिए कुछ। अब हंस के दिखा रही है कि मैं तो अब लूंगी आपकी चीजियों में चीजियां, ठीक है। दरवाजा खुला तब मिला तो डराने का मौका ही नहीं मिला। बाहर अरीब साहब जो है मामू से बातें शाते करें, मैं जरा तब तक अपनी बहनों से मिलूं क्योंकि मुझे लेने आ चुके हैं, मैं जा रही हूँ घर। ओके राबिया, राबिया थोड़ी सी ऑफ हुई है, कल डांस कर करके थक गई है, तो अब रेस्टिंग मोड पे, ठीक है। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मेरे घर आना, तुमने मेरे से बदला लेना। खुद ही कह रही हूँ। ओके मानो बाय। अल्लाह करे जीत जाए, ये भी साला जीतेगा। मेरे जज्बात इस टाइम फट जाएंगे, ये मेरा आखिरी मैच होगा अगर पाकिस्तान। अरे ये अमेरिका की दफा भी यही कहा था ना करें। अच्छा ये आखिरी होगा, अमेरिका की दफा तो किसी को पता भी नहीं था कि ये हो जाएगा, ठीक है ठीक है, लेकिन ये मेरा आखिरी मैच होगा। अमेरिका कोई देखने चला जाता, पापा ही समझो वहाँ पे होता, क्या नाक कटती है। जेन्युइन 20 साल से मैच देखता आ रहा हूँ, और अगर आज पाकिस्तान हार गया इसके बाद नहीं देखेंगे। लड़की हार गया तो फिर मैं मान जाऊँ? नहीं वो आपने कहा हार गया तो ये लड़की अपने प्यार पे रहना। ओके राबिया बाय बाय, इसको मिल लो, ये बड़ा चटर पटर बोलती है। इसको इधर बोल दो, मुझे भी व्लॉग में लो, बोलना मुझे भी व्लॉग में। A few moments later. चले जी गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर। मेरा दरवाजा बजा मेरे हाथ के ऊपर, भाई व्लॉगिंग करते करते ना आधी चीजों का तो नुकसान हो जाता है। आप आके ऊपर मैच लगा के बैठ गए, बिल्ली कहाँ है? बिल्ली चला गया है। कहाँ? मामा के साथ गया है, पापा के साथ गया है, मेरे ख्याल से अपनी नानों की तरफ गया है। अभी यहाँ पे गाइस टॉस होने लगा, लेकिन यहाँ पे आपको अरीब साहब का जो साउंड सिस्टम है वो थोड़ा सा अप वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि अरीब साहब ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है, मैच को लेकर ज्यादा जज्बाती। लेट्स सी हु विल विन द टॉस। Box office, one of the biggest contests in all of sport. All of sport. It's India versus Pakistan. Oh my God. Toss hi the name Pakistan ko. On a big day, David Boone. Head is it? What's it, David? Yeah! Kya hua? Pakistan. The Baba, you won the toss. What have you decided? ये शुक्र है, शुक्र है बैटिंग पहले नहीं ले ली, डर लग रहा था। 50% मैच जीत गया, टॉस जीत गए, 50% अब बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी करनी है। उसने पहले बॉलिंग किया, पहले पाकिस्तान बॉलिंग करेगा, ये पिच बॉलिंग पिच है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस लड़के ने देखें घर की क्या हालत की हुई है, मेरे जाने के बाद इस लड़के ने घर की हालत क्या की हुई। बीवियां ना होना तो बंदे खाना बदोशों की तरह अपने कमरे का हाल कर देते हैं, और जब तक स्टार्ट होता है तब तक मैं अपना काम निपटा लूं, और मेरा मेन काम ये है जो मैंने इतनी मेहनतों से अपना जो सूटकेस पैक किया था ना घर छोड़ के जाने वाले प्रैंक में, उसको बस अब सेट करती हूं, अपना सारा ड्रेसिंग टेबल जोड़ती हूं, और ये काम करते हैं। ओए होए होए होए, तो हम लोग रेडी हैं भाई, पहली बॉल होने लगी है यहाँ पे। फूके मार दे, कोई विर्द वुर्द पढ़ने या पढ़ दे भाई, अल्लाह खैर करे। 5, 4, 3, 2, 1 बॉल। चलिए इंशा अफरीदी दिखा दे आज, यूएसए का सारा गुस्सा यहाँ निकाल दे प्लीज। ओह क्या हुआ,
कैच पकड़ लेना अगर ये ओए हाँ अच्छा ठीक है ओए होए 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 ये तो रोहित शर्मा ने आते सर बहुत टुक टुक खेल रहे हैं जी एक चक्का मार के टुक टुक खेल रहे हैं ताकि जो है ना वो गेंदे जाया कराओ भाई पाकिस्तानियों आउट हो गया क्या हुआ क्या हुआ बाबर कह रहा है लगी बाबर ने खुद ही कह दिया अच्छी लगी है लगा आउट है यार आप पता उछल के डांस करने लगे थे इधर पहली विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर खत्म तो मैच जीत गए हम इंशाल्लाह मैच हम जीत गए हैं वैसे भी जीत गए दुआ कर रही हूँ मैं बैठ के पास चेक करें जरा यहाँ पे वन क्या हुआ क्या हुआ क्या इतनी खुशी बाहर से उछलते हुए आए हैं यार यार मैच वो खेल रहे हैं खड़े आप हुए हैं बैठ जाए यार अभी अरे बैठ जाए सुकून से प्लीज इतने बेचैन रोहित शर्मा का आउट बहुत जरूरी है वो बहुत तेज खेल रहा है रोहित शर्मा हाँ जी बस मैंने दुआ दे दी है रोहित शर्मा आउट होगा टेंशन नहीं लेना ठीक है रोहित शर्मा का तुम्हारी दुआ लगे नहीं जो बाकी सारे इंडियन दुआ कर रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ रोहित आउट हो गया मेरी दुआएं बड़ी जोर जोर से लग रही है भाई मैच को अरे अल्लाह शहीन ने आउट किया यार मैच आ रहा पाकिस्तान की गिरफ्त में पूरा स्टेडियम इस वक्त टॉस जीतने से मुझे पता लग गया कि भाई ये पाकिस्तान मैच जीतेगा पहले कुछ हो गया कब कह रही थी कब कह रही थी यार इतना शोर डालोगे तो मैं यही कहूंगी कि यार क्या है मैच की वजह से पूरे घर में रोला डाला है साथ ही बदल गए रंग बदल गए नहीं पाकिस्तान के लिए हमारे रंग बदलते रहेंगे पाकिस्तान के लिए रंग नहीं बदलते सिर्फ हम ग्रीन रहते हैं चलें जी अब अगली बॉल की बारी पड़ी जा रहा है आउट होना बहुत जरूरी है नसीम भाई आ गए नसीम भाई कुछ कर सकते हैं करा नसीम तेरी खैर हैवी आउट हुआ रीब हैवी बोल्ड बोल्ड चलें जी अब जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनका इसको आउट करना बहुत जरूरी है मेरी बात सुने रोहित भी इंपॉर्टेंट था कोहली भी इंपॉर्टेंट था अब ये भी इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है हर किसी को आउट करना जरूरी सारों को आउट करना जरूरी है ना कैच 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 प्लीज कैच ओए शिट यार कैच पकड़ लेते यार अरीब साहब तो बैठ के कैच पकड़ने इधर से बैठ के कैच कह रहे कैच कैच अरीब इसका कैच छूटा गलती से ठीक है और अब वो चौके पे चौका मारी जा रहा है यार तीन चौके देखो जरा अरीब 10 ओवरों में 80 स्कोर है और 3 आउट है बताएं ये सही जा रहा है मैच के नहीं स्कोर बहुत ज्यादा है ये पीछे है बड़ी स्लो तो मेरे ख्याल से अब हाय अल्लाह देखो अब क्या होता है ये इन दोनों का आउट होना बहुत जरूरी है यार हारिस राउफ कुछ करो आज चौका खाओ चलो नसीम भाई इसको आउट करो गुड कैच नसीम है गुड कैच ये इंडियन बेचारे रोने लग गए अभी से भाईजान अभी ना दो अभी बहुत मैच है अभी जीत सकते हैं आप पाकिस्तानी खुश भाईजान आप हार सकते हैं अभी वो पंत अभी तक आउट नहीं हुआ ये नया जो आया था वो आउट हो गया नसीमे शाबाश इकड़ा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हार्दिक पांड्या शाबाश पांड्या को भी आउट कर दो बेटा पांड्या को भी करो नसीम भाई बच गया मुझे लगता है मैं इकड़ा का फोन तोड़ रहा टेंशन लो मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहा हूँ कैच प्लीज कैच प्लीज कैच इकड़ा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जडेजा जो है ना इसको भी आउट कर दो ना आमिर भाई लाभ हो जाए आपसे यार ये आमिर की खुशी है सबकी देखो यार जैसे खुश हो रहा है उससे ज्यादा मैं खुश हो रहा मैच पाकिस्तान के हाथ में आया हुआ है बस ये एक विकेट और है 120 के नीचे इनका आउट करना है नहीं खेलेगा डरा हुआ है मेरे दिमाग में है कि 120 तक बस करें और उसके आगे डन मुझे मंजूर है बाकी पता नहीं उनको मंजूर है कि नहीं है कितने हो गए 17 ओवर 106 7 आउट 17 ओवर 106 7 आउट ठीक है समझ लग गई तुम्हें
समझ लग गई तुम्हें ठीक है। 17 ओवर 106 7 आउट, ये 120 तक से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है। हाँ जी पीऊंगा जल्दी। 110 हो गया एक, 120 से ज्यादा लगता नजर आ रहा है मुझे। नहीं, नहीं, 120 तक। ओके डन डन, ठीक ठीक है, तुमने कह दिया ठीक है ठीक है। शाबा लड़के शाबा, शिट गुड सेव यार, लवी पप्पी ना देखो ना ये गुड सेव शहजाद 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 गुड सेव। मैं दुआ करूं कि ये बात स्टेडियम में ना पहुंचे। वो चल रही है, वो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा ब्लॉगर अरीब परवेज जो है वो कैसी बातें कर रहा है। गुड सेव गुड सेव, ये देखें गाइस क्या सेव की है शिताबे सुपरमैन। ये हार्दिक पांडे के नन्हे पांडे का भाई है। हां अगर चंकी पांडे इसका अब्बू है। हाँ तुम सीरियस समझ रही हो, मजाक समझ रही हो। हार्दिक पांड्या नन्या बताएं कमेंट में, हार्दिक पांड्या नन्या पांडी का भाई है, चंकी पांडे इसका अब्बू है, लेकिन अभी आउट हो जाए, बस आउट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। शाबाश लड़के शाबाश, कैच 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 चंकी पांडे का बेटा आउट हो गया। गुड शाबाश शाबाश, 120 तक 112 पे 8, हार्दिक पांड्या गया सू, मेरा गला भी गया सू, मेरा हाथ भी गया सू। प्लीज एक दफा इस आवाज में बोले आलू ले लो। आलू ले लो। शाबाश आई से ये पाकिस्तान टीम कर सकती है, यूएसए से हार जाएगी। हाँ। इंडिया को 112 पे 9 आउट हो गए हैं, क्या बात है। चल शाबाश इन्हें आउट कर, कैचर ये 120 का टारगेट जो एक कहा था ना। शाबाश शाबाश बॉयज शाबाश, 20 ओवर में 120 चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान में, एक टाइम पे बहुत अच्छा खेला था इंडिया, बहुत अच्छा खेला था, लेकिन 120 जिक्र कमल ने कह दिया था, वो स्टेडियम में हमारी आवाज पहुंच गई थी, पाकिस्तानियों ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया। मेरा गला दर्द हो रहा है। चलो जी अब थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर पाकिस्तान की बैटिंग शुरू होती है, फिर वापस आते हैं। A few moments later. भाई जान स्टार तो बड़ा अच्छा मिल गया, 9 स्कोर है, 3 बॉलों पे एक्स्ट्रा भी आ गए, पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, 85% चांसेस है पाकिस्तान के, ठीक है और जीतेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आज जीत के जाएगा पाकिस्तान। क्या हुआ, कैच ड्रॉप हो गया, कैच ड्रॉप हो गया। ओह माय गॉड, इजी, कोई जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत इश्क से खेल। थर पकड़ के बैठ गए हैं भाई, हुआ कुछ यूं है के यार बाबर आउट हो गया और दिल थाम के हम लोग बैठे थे, एक विकेट यार, रिव्यू हो रहा है, बाबर तो होना बहुत जरूरी है, बाबर जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वो ही है। हमारे यहाँ पे बाबर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका आउट होना नहीं बनता, आउट उनका डिसीजन आ गया, बाबर आउट हो गया, ये क्या हो गया यार, बाबर आजम आपने इतनी जल्दी नहीं जाना था, कोई बात नहीं, 26 स्कोर बन गए अभी एक विकेट पे, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। 4 चौका अभी मार दिया, 10 ओवर हो गए, 57 स्कोर है, 1 आउट है, 1 आउट, 10 ओवरों में 63 चाहिए 60 बॉलों पे, और अचीवेबल है, बहुत अच्छा इजी है, बहुत अच्छा इजी टारगेट है, बहुत मजे का उन्होंने क्या मतलब अमेजिंग खेल रहे हो यार पाकिस्तानी, टुक टुक बट गुड। ना करो यार, अब तो मुझे इतना खासा वाला इंटरेस्ट पैदा हो चुका है ना, 2 आउट हो गए पाकिस्तान के, फखर आ गया भैया, फखर भाई आ गया, तो हमें इसी में फखर होना चाहिए आज। इंशाल्लाह ये करेगा, इंडिया के साथ खिलाफ अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है। नसीम भाई आए, ओए 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 ओए, चक्का मार यार, आई अल्लाह, भाभियां भी बैठी हुई है हमारे सारे, भाभियां भी कह रही है शाबाश शाबाश। उई नो कैच नाउ प्लीज नाउ, ओ शिट यार, ओ नो, दिल को थाम ले अरीब साहब, सर को डिनाइल में ले गए हैं, फखर आउट हो गया, जिसको मुझे फखर था वो आउट हो गया। अरीब कोई बात नहीं, भी काफी सारे खिलाड़ी पड़े हुए, इंशाल्लाह ये पिच बड़ी वो है, इसपे नहीं अब स्कोर ना मसला होगा, जब कैमरा खोलती हूँ आउट हो ही जा रहा है, फंस गया, बहुत बुरा फंस गया, टेंशन होने लग गई मुझे। अरीब नो नो कुछ नहीं, मैच बहुत फंस गया है, मैच फंस गया, अब 40 चाहिए 35 और रिजवान आउट हो गया। ओए यार, एक फखर से हमें आसू मी थी और एक रिजवान से थी, दोनों आउट हो गए, अब देखते हैं कि कौन बचाता है पाकिस्तानी टीम को। हमारे पास इस वक्त 6 विकेट मौजूद हैं और 37 हमें रन चाहिए 30 बॉलों पे, आपको क्या लग रहा है?
अभी 50-50 हो गया। नहीं मुझे लग रहा जीत जाएगा, प्रेशर आ गया। नहीं नहीं जीत जाएगा, मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह जीत जाएगा। प्रेशर है इसलिए रीफ साहब जो है ना वो खड़े हो गए, फिर से शायद पाकिस्तान देख के जीत जाए। ओ माय गॉड गाइस, मैच जो है ना इस वक्त फंस चुका है। तीन बोले लगातार बीट हो गई हैं, तीन बोले बीट हो गई 26-25 पे। मैच फंस रहा है लेकिन जीतेगा, कुछ नहीं होता, आ रही हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग भी क्योंकि मैच जो है ना लोग डीजे चलाते हैं, आपने अपना गला चलाया तो उस हिसाब से चक्कर आना बनते हैं। ये बॉल पे छक्का या हिट चाहिए। मैच जो है ना वो बुरी तरह फंस चुका है यार, 30-18 बोलों पे। ओ माय गॉड, सिर्फ 30 रन 18 बोलों पे। 10 स्कोर चाहिए, हर ओवर में 10 स्कोर चाहिए, हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? अब फंस गया मैं, लेट्स सी क्या होता है। इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया, एक पॉइंट पे पाकिस्तान बहुत इजीली जीत रहा था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है यार। चाचू एक बाउंड्री चाहिए, मार दे इसको एक बाउंड्री यार। टेस्ट मैच खेल रहे हैं यार, अगले ओवर में हिटिंग बहुत जरूरी है वरना मुश्किल हो जाना है। वो फंसा हुआ, मुझे भी टेंशन होने लग गई। इस बॉल में बाउंड्री चाहिए गाइस, लाजमी। गुड बॉल यार, सिंगल हो गई। इतनी टेंशन तो बाबर आजम को नहीं, वहां बैठ कर ही जितने स्कोर ही। बुमराह को ओवर दे दिया अपने मेन बॉलर को और ये ओवर मैच डिसाइड करेगा। गुड बॉल बुमराह को कहो कि प्लीज आखिरी ओवर में 10 स्कोर कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो बहुत मुश्किल है। 20-9 बॉलों पे मैच बहुत फंस गया। मुझे पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, लग रहा आपका परमानेंट बैन होने लगा मैच देखना। हाँ रहना बस यार, बाउंड्री चाहिए प्लीज प्लीज। चाचू इज्जत रख लो प्लीज प्लीज। मार, कैच हो गया, 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 कैच हो गया। 6 बॉलों पे 18 स्कोर चाहिए। अगर इसने इन्होंने कैच पकड़वाते रहे अपने तो मेरी हालत खराब हो रही है, मेरी भी हो रही है अभी वक्त तो। क्या कर दिया इन्होंने, अच्छा भला मैच को खराब कर दिया। अनुष्का बाजी खुश हो रही हैं, परेशानी क्या लगी हुई है? परेशानी नहीं है, खुश हो रही हैं, मैच में वापस आ गई हैं। बहुत मुश्किल है ना, 18 स्कोर बहुत ज्यादा है। दिल टूट गया यार, आज नहीं टूटना चाहिए दिल, प्लीज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आउट हो गया भाई, मार वसीम भी आउट हो गया, डेड हो गया मैच, डेड हो गया। या अल्लाह ये मैच इतना इंटेंस हो गया, मेरा हस्बैंड जो है ना वो इस मेरे से ज्यादा इंटेंस हो गया यार। अरीब टेंशन ना लें, मत परेशान हो, बहुत दिल ब्रेक, हार्ट ब्रेक। लेकिन देखो ना दिल लगाया, अच्छा खासा मैच था, बहुत प्यारा मैच चल रहा था, इतना अच्छा आप लोगों ने टारगेट दिया। उसके बाद इंडिया ने बहुत कमबैक किया, प्रॉपर कमबैक किया। अल्लाह करे कोई छक्कों वाला चमत्कार कर दे ब्रो, ये क्या है? इट्स नॉट छक्का, इट्स नॉट, ओए हो गया चौका। इनके पास सिर्फ 2 छक्के मारने की ऑप्शन है, मार दिए तो पूरे 12 स्कोर हो जाएंगे। ओ तेरी खैर, लेट्स सी। छक्का छक्का यार, अरीब क्या हो गया? अरीब अरीब इतनी जोर से फोन फेंका यार आपने। नहीं यार, नहीं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, गेम है, आखरी बोल है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, आखरी बोल, आखरी है, बट लेट्स सी आखरी में क्या होता है। हार हार गया यार, टुक टुक ही खेला आखिर में भी, क्या ही अब, क्या ही अब, क्या ही अब यार, क्या ही अब, पाकिस्तान मैच हार चुका है यार। बस कुछ नहीं होता, गेम थी ये, बस गेम थी। अरीब इंडियंस तो खुशी खुशी जा रहे हैं, वैसे पूरा स्टेडियम इंडियन से भरा हुआ था, हम घर बैठे अपने दिल लगा के बैठे हुए थे मैच से, मेरे हस्बैंड। अरीब बस कुछ नहीं होता, अब अच्छी अच्छा सा खाना बना के देती हूँ आप। मोबाइल बच गए खिलाड़ियों ने आपको मोबाइल खरीद के देना नया। चले जी गाइस, यहीं पे व्लॉग एंड कर रहे हैं। कौन नसीम? हाय अल्लाह यार, हाय अल्लाह, ना ना ना, वो भी देखो वो बेचारा भी कितना मेहनत से खेला था यार। सब रो रहे हैं इस तरह, नसीम शाह आपके साथ सब रो रहे हैं। मेरा हस्बैंड भी रोना ना स्टार्ट कर दुखी है यार, पूरा पाकिस्तान इस वक्त दुखी है। मुलाकात होती है आपसे अगले ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।